कोरोना वायरस संक्रमण के लिए वैक्सीन की रेस में कई कंपनियां लगी हुई हैं। इसके ट्रायल्स भी शुरू हो चुके हैं। ऐसे में पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव अदार पूनावाला ने सबसे पहले और बड़ी तादाद में वैक्सीन तैयार करने का दावा किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव अदार पूनावाला ने कहा कि बहुत कम लोग ही इतनी कीमत पर कोरोना वैक्सीन का उत्पादन बड़े पैमाने पर कर सकते हैं, वह भी इतनी तेजी के साथ। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप के लिए मेरे पास देश विदेश से कई नेताओं के फोन आ रहे हैं। मुझे समझाना पड़ता है कि मैं ऐसे ही आपको वैक्सीन नहीं दे सकता हूं। ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन को तैयार करने के काम में लगी सीरम इंस्टीट्यूट ने अप्रैल में ही वैक्सीन तैयार करने का खुलकर दावा किया था। अब कंपनी में प्रति मिनट के हिसाब से 500 डोज तैयार हो रहे हैं। हालांकि कितनी मात्रा में वैक्सीन तैयार होगी यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। खुद इतनी बड़ी आबादी वाले भारत में वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में पूनावाला भारत और बाकी दुनिया में 50-50 प्रतिशत के हिसाब से बंटवारा कर सकते हैं। आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी टीका निर्माता कंपनी है। यह अब हर साल 1.5 अरब वैक्सीन डोज तैयार करती है। इसमें पोलियो से लेकर मीजल्स तक के टीके शामिल होते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने इसी भारतीय कंपनी को अपनी कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए चुना है। पुणे की इस कंपनी ने पहले कहा था कि वह आखिरी आदेश मिलने से पहले ही वैक्सीन बनाना शुरू कर देगी, ताकि जब तक सभी अनुमतियां मिलें तब तक अच्छी खासी मात्रा में वैक्सीन तैयार हो सके। कोरोना वायरस के मामले रोजाना नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। देश में कोरोना के कुल केस 17 लाख के पार पहुंच चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 54,735 कोरोना केस सामने आए हैं, वहीं 853 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले शनिवार को सबसे ज्यादा 57,117 केस सामने आए थे, जबकि 664 लोगों की मौत हुई थी। इनमें से 65% केस सिर्फ जुलाई में आए हैं। कुल 17,50,724 केसों में से 37,364 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो चुकी है। कुल केसों में से 11,45,629 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, वहीं 5,67,730 केस फिलहाल एक्टिव हैं। डेटा के मुताबिक कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर अब 65.44% हो गई है, जबकि मृत्यु दर घटकर 2.13% रह गई है। संक्रमण के कुल मामलों में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के मुताबिक 1 अगस्त तक कुल 1,98,21,831 सैंपल्स की जांच की गई है। इनमें से 4,63,172 सैंपल्स की जांच शनिवार को की गई। दिल्ली में स्थिति सुधर रही है। कोरोना हारता हुआ दिख रहा है, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई है। अगर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखी, मास्क का इस्तेमाल किया और कोई बड़ा कोरोना विस्फोट नहीं हुआ, तो सितंबर खुशखबरी ला सकता है। खुशखबरी यह होगी कि दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केसेस सिर्फ 1,000 रह सकते हैं। सील इलाके यानी कंटेनमेंट जोन घटकर 496 रह गए हैं। सोमवार को इनकी संख्या 715 थी। अब आखिरी केस आने के 14 दिन बाद कंटेनमेंट जोन डीसील होगा। पहले यह 28 दिन बाद होता था। अगर किसी गली में केस है तो उस गली और आसपास को कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा, ना कि पूरे इलाके को। असर यह है कि अब 496 जोन्स में 1,06,211 लोग कंटेनमेंट जोन में रह गए हैं। पहले यह आबादी 3.5 लाख के करीब थी। जून से पहले दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे थे। हालात ये थे कि एक्टिव केसेस के मामलों में भारत दूसरे नंबर पर आ गया था, लेकिन अब दिल्ली की स्थिति सुधर रही है। फिलहाल भारत में एक्टिव केसेस के मामलों में दिल्ली 12वें नंबर पर पहुंच गई है, यानी यहां एक्टिव केसेस बाकियों के मुकाबले कम हैं। यह स्थिति पिछले 1.5 महीने में ही सुधरी है। शनिवार को दिल्ली में 1,198 मरीज आए और 1,201
ठीक हुए, दिल्ली का रिकवरी रेट बढ़कर अब 90% के करीब पहुंच गया है। फिलहाल दिल्ली में 10,705 कोरोना एक्टिव केसेस हैं। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जिस हिसाब से कोरोना केस घटे हैं और ठीक होने का प्रतिशत सुधर रहा है, सितंबर तक यहां सिर्फ 1,000 एक्टिव मरीज ही बचेंगे। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में 110 साल की एक बुजुर्ग महिला ने कोरोना वायरस को मात दे दी है। संक्रमण मुक्त होने के बाद महिला को शनिवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस बुजुर्ग महिला का नाम सिदम्मा है। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक सिदम्मा पुलिस आवास में रहती है और उनके 5 बच्चे, 17 पोते और 22 परपोते हैं। उन्होंने बताया कि परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सिदम्मा के भी 27 जुलाई को कोरोना वायरस के संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। उन्हें चित्रदुर्ग के कोविड-19 अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था और अब पूरी तरह से वे ठीक हो चुकी हैं। संक्रमण के बाद कमजोर हो चुकी सिदम्मा 4 लोगों की सहायता से बाहर निकली और इस मौके पर डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने उनका अभिनंदन किया। जब सिदम्मा से पूछा गया कि क्या वे कोविड-19 होने पर भयभीत हुई थी, तब उन्होंने कहा कि मैं किसी से नहीं डरती। उन्होंने बताया कि अस्पताल में इलाज और दिए गए खाने से वे खुश हैं। वहीं बाद में पत्रकारों से बात करते हुए जिला सर्जन बसावा राजू ने कहा कि यह गर्व की बात है कि सबसे बुजुर्ग महिला कोरोना वायरस से ठीक हो गई है और उन्हें सरकारी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि जहां तक मेरी जानकारी है, 110 साल की महिला का कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक होना एक रिकॉर्ड है। वह पुलिसकर्मी की मां है और पुलिस आवास में रहती है। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम से पहले 5 अगस्त को पीएम मोदी हनुमानगढ़ी मंदिर जाएंगे। अयोध्या में पीएम के कार्यक्रम का यह पहला पड़ाव होगा। इस दौरान वे हनुमानगढ़ी में प्रार्थना करेंगे। उनके स्वास्थ्य के साथ ही कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए मंत्रोच्चारण किया जाएगा। हनुमानगढ़ी मंदिर में पीएम मोदी का दर्शन कार्यक्रम 7 मिनट का होगा, जिसमें से 3 मिनट तक पुजारी वैदिक मंत्रोच्चारण करेंगे, जिनमें पीएम मोदी के स्वास्थ्य की कुशलता के साथ ही देश में कोरोना वायरस का संक्रमण कम करने के लिए पाठ किया जाएगा। हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी महंत राजू दास ने इस बारे में जानकारी दी। 5 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन में आ रहे हैं। इसके नाते पहले उन्होंने तय किया कि हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन करने के बाद राम जन्मभूमि भूमि पूजन में शामिल होंगे। सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, सरकार का सख्त आदेश है। जो प्रधानमंत्री जी की टीम है, प्रधानमंत्री जी को कोई टच नहीं करेगा, न किसी प्रकार का कोई सामग्री प्रधानमंत्री जी को देगा, क्योंकि देखिए कोविड-19 संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके नाते हमारा परम कर्तव्य है कि प्रधानमंत्री जी को खुद बचते हुए प्रधानमंत्री जी को ही बचाया जाए। इसके नाते हम लोग स्वस्ति वाचन करते हुए जब प्रधानमंत्री जी अभी आज तय हो जाएगा कि आगे के रास्ते से आएंगे कि पीछे के रास्ते से आएंगे, क्योंकि आगे में 85 सीढ़ी हैं, पीछे में 35-36 सीढ़ी है, तो दोनों में अंतर है, तो ये देख लेना पड़ेगा। पूरे परिसर में हनुमानगढ़ी दर्शन में 7 मिनट हमको दिया गया है, 7 मिनट के अंदर ही आना है, जाना है, और उसी के बीच में 3 मिनट लमसम पूजन में लगेगा।